हम इस खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गए हैं। अब हम इस जगह पर कैसे पहुंचे ये तो अभी आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अलग सा ट्रैकिंग एडवेंचर। इट्स डे 3 एंड वी आर अगेन रेडी टू एक्सप्लोर मसूरी। कल रात को मॉल रोड पर हमने डिनर किया और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो वी जस्ट केम टू द होटल और हम सो गए। एंड आज अभी अराउंड 10:30 11 हो गए, सब कुछ पैक हो गया, वी आर जस्ट अबाउट टू चेक आउट। एंड आज हम थोड़ा बहुत मसूरी घूमेंगे, उसके बाद हम वापसी की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ। एंड रास्ते में भी हमने एक दो छोटे मोटे प्लान्स बनाए हैं बहुत सारी जगहें देखने के, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अभी आज का दिन शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मसूरी से अब हम निकल चुके हैं। मसूरी में अगर आपको और जाना है और जगह एक्सप्लोर करनी है तो वहाँ पर एक गन पॉइंट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, बट वी थॉट कि हम थोड़ी अलग जगह पर जाते हैं। सो वी सॉ ऑन गूगल कि एक शिखर वाटरफॉल है विच इज़ बिटवीन मसूरी एंड देहरादून, देहरादून के पास में ही है, तो अभी हम वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा स्टीप है, मतलब गाड़ी से जैसे आप आते हो, आते हुए तो ठीक है, जाते हुए थोड़ा सा स्टीप होगा। और अब जो है ट्रैक है, ट्रैक में बोल रहे हैं कि 15 to 20 minutes लगेंगे पूरा ट्रैक करने में। सो एक बार ट्रैक करके जाते हैं, प्रॉपर ये कच्चा जो ऐसा रास्ता होता है ना वैसा सा ट्रैक है, तो इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं फिर जाकर पता चलेगा कि वेदर दिस प्लेस इज़ इवन वर्थ इट और नॉट। थोड़ा हमने फ़ोटोज़ वगैरह देखी उसमें तो ठीक लग रहा है, बट ज़्यादा इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं की है, तो हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ होगा कि कैसी जगह है ये। एंड ये त्रिशिका का फर्स्ट एवर ट्रैक होने वाला है, सो वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट पार्ट कि फर्स्ट टाइम त्रिशिका से जाएगी किसी ट्रैकिंग वाली जगह पर। सो देखते हैं ऊपर जाके कि कैसा नज़ारा है, होपफुली कि अच्छा वाटरफॉल हो। लेट्स गो एंड लेट्स एक्सप्लोर। शिखर फॉल्स के ट्रैक की शुरुआत तो होती है प्रॉपर रास्ते से, पर जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं रास्ते संकरे और ट्रैक का लेवल मुश्किल होता रहता है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स या बच्चों के साथ, तो मैं आपको ये ट्रैक नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी जगह पर रास्ते जो हैं वो काफ़ी संकरे हैं। देखते ही देखते ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में हमें पानी की आवाज़ आनी शुरू हुई और हमारी एक्साइटमेंट का लेवल एकदम बढ़ गया। इसके बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचे जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। इसके आगे कैसे जा रहे हैं लोग? यहाँ से कूद के? यहाँ से आगे का रास्ता काफ़ी डेंजरस था, क्योंकि अब आगे पत्थरों के ऊपर से कूद कर जाना था, जो हमारे लिए तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं था। सो वी डिसाइडेड कि हम यहीं पर कुछ देर टाइम स्पेंड करेंगे और ये नज़ारा इंजॉय करेंगे। टाइम स्पेंड करके हम चल पड़े वापसी की तरफ। गूगल पर जो फोटोज देखी थी उससे तो एकदम अलग नज़ारा था, शायद मॉनसून के बाद ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज, वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैक। ट्रैक अच्छा था, ऑलमोस्ट ऐसा लगा लो 20 मिनट लगते हैं जाने में और ऐसे ही 15-20 मिनट लगते हैं नीचे आने में, लेकिन हम बिल्कुल एंड तक नहीं गए। हम सिर्फ जहाँ पे स्टार्टिंग में पानी बह रहा था सिर्फ वहीं तक गए, क्योंकि आगे जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ऊंचा नीचा सा था, तो हमें और दूर से देखने में इतना कोई वर्थ नहीं लगा। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि वॉज़ इट वर्थ इट, आई वुड से नो, इट वॉज़ नॉट वर्थ इट। इतना अच्छा नहीं था ये,
अगर यहाँ पर बहुत लोग आते हैं जो यहाँ पर वाटरफॉल में नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर आप वो करना चाहते हैं, आप बैचलर ट्रिप पर आ रहे हैं, सिर्फ आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं तो आप फिर भी आ सकते हैं, बट फैमिली के साथ आई डोंट थिंक इट्स दैट वर्थ इट, क्योंकि इतना भी सुंदर वाटरफॉल नहीं है कि आप इतना ट्रैक करके जाओ और वापस आओ। सो दैट इज़ माई ओवरऑल रिमार्क। अब यहाँ से चलते हैं, कुछ खाते हैं। नेक्स्ट अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अब हम जाएंगे हरिद्वार की तरफ और वहाँ कोशिश करेंगे कि अगर हम गंगा आरती को देख पाए, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए उस उतने टाइम तक। सो लेट्स सी, अदरवाइज हम हरिद्वार तो घूमने ही वाले हैं, तो वो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो गाइस, वाटरफॉल से अब हम आ गए हैं देहरादून और देहरादून में हम करने लगे हैं लंच एट दिस प्लेस कॉल्ड नागपाल रेस्टोरेंट। यहाँ पर अभी हम आए हैं लंच करने, ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं, सो वी आर रनिंग क्वाइट लेट। तो यहाँ पे फटाफट से हमें खाना फिनिश करना है आधे घंटे में ताकि हम टाइम पे पहुँच सकें। पहुंच गए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पर और हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो हम आपको आरती नहीं दिखा पाएंगे। आरती मिस हो गई, टारगेट आरती था। हाँ, बट अभी चल रहे हैं हर की पौड़ी की तरफ। गाड़ी जो है वो पार्किंग में लगा दी है, अभी चलकर जा रहे हैं। यहाँ से आप रिक्शा भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और आसपास ये छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अभी चलते हैं, अभी देखते हैं, वहाँ पर आरती तो फिनिश हो गई होगी, बट गंगा जी के दर्शन करते हैं। गंगा जी के दर्शन करके ही बहुत अच्छा फील होता है। सो लेट्स डू दिस, लेट्स गो। पहुंच गए हैं इस ब्लॉग की एंडिंग पर। सो ये था हमारा छोटा सा मसूरी का वेकेशन, जिसमें हमने थोड़ा सा हरिद्वार भी कवर किया। वी होप कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्या करें, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियोस डालते रहें, सो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अपने सब्सक्राइब करने के। सो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि हम अगली कौन सी डेस्टिनेशन पर जाएं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।